सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें और नोटिफिकेशन आती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घरों की रूफ टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं 3ds Max के अंदर। सबसे जहाँ पहले हमने जाना है स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है ऑप्शन अवेज स्टूडियो टूल्स और ए टाइल्स को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से ये चार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने, पहले तीन और आखिरी वाला, और फिर जाना है स्नैप टोकन में, राइट क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना वर्टिक्स और सेंटर फेस, उसके बाद इसको खत्म कर लेना है और फिर करना है लेफ्ट क्लिक। ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने जाना है यहाँ से सेलेक्ट करना है टाइल्स, सेलेक्ट मेन टाइल्स, हमने सेलेक्ट कर लेना है रूफ टाइल्स 3 मेन, फिर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्लिक करके रखना है और इस पॉइंट पे छोड़ देना है और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करना है। और चौथा ऑप्शन अपने आप ही बन जाए। साइज एक्स, हम यहाँ पे इसको साइज एक्स और वाई की डायरेक्शन में छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे काउंट एक्स, इसकी तादाद में इजाफा कर सकते हैं एक्स वाई की पोजीशन में। यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, टिल्ट एंगल, ये हमारा ऑप्शन अभी किसी काम का नहीं। कट स्टार्ट, ये भी ऑप्शन हमारे अभी किसी काम का नहीं। नीचे आ जाएंगे एडवांस पैरामीटर में, यहाँ से इसके स्केल में इजाफा कर सकते हैं आप एल्यूमिनेंट में, टाइल्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, हमें चाहिए ठीक है। ये आया था एलिजन, यहाँ पे इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, इस साइड पे एलिजन में आके हम इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट में भी और वैसे भी रोटेट कर सकते हैं एक्स वाई जेड पोजीशन में। अब हम दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं इसको, स्नैप टॉगल को बाहर क्लिक करके ऑफ कर देना है लेफ्ट क्लिक करके। इसको थोड़ा सा नीचे को मूव कर लेना है, इसी तरह दूसरा भी स्नैप टॉगल ऑन किया, क्लिक करके यहाँ पे दूसरे वर्टेक्स पे जाके इसको छोड़ देना, फिर ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट करना, स्नैप टॉगल ऑफ किए,
दोनों साइड में हमारी टाइल्स लग चुकी हैं। अब हमने लगानी है ऊपर की लाइन टाइल्स। इसके लिए पहले हमने जाना है हॉरिजॉन्टल प्लान की जगह सेलेक्ट करना, स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करना यहाँ से और फिर स्नैप टॉगल ऑन कर लेना। पैरामीटर में जाना, इसके स्केल को छोटा कर देना, और ज़रा काउंट में इजाफा कर लेना। ये हमारी टाइल्स लग चुकी हैं। आप चाहे तो ब्रिक्स वगैरह भी, वॉल की ब्रिक्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह स्नैप टॉगल ऑन रखना है जब लगाने लगे तो। ये वॉल्स की ब्रिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं, इसका डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं एयर टाइल्स स्टूडियो में। ये प्लगन आपको नेट से फ्री मिल जाएगा, डाउनलोड मिल जाएगा आसानी के साथ। इसको डाउनलोड करें और आराम से घरों की टाइल्स वगैरह, रूफ की टाइल्स वगैरह आसानी से लगा सकते हैं आप। इसके बाद इस पर मटेरियल अप्लाई कर लें। स्नैप टॉगल ऑफ कर लें। उसके बाद इसकी रेंडरिंग कर लें।
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको आती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.